डर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरम्ला लास्ट टाइम हमने अर्थ को एक मेजरमेंट या स्केल्स ऑफ अर्थ को एक मेजरमेंट वो डिस्कस किया था अर्थ so, को हम एक्सप्रेस करते हैं या अर्थ के एक पावर को या एनर्जी को या अर्थ को एक सैज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं दो स्केल्स में एक तो इंटेंसिटी स्केल इसको कहते हैं और दूसरे को हम मैगनीट्यूड स्केल कहते हैं या इंटेंसिटी ऑफ अर्थ कोएक या मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ कोक इन दोनों में क्या डिस्टिक्शन है इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आपस में इंटेंसिटी स्केल क्या या इंटेंसिटी ऑफ अर्थ कोक क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है इनमें क्या फ़र्क है तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन आपको पता है मैग्नीट्यूड सिग्निफाइज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अर्थ कोक सो इट क्वान्टिफाइज अर्थ के कितना कितनी एनर्जी कैलकुलेट हम करते हैं कि एस्टिमेट करते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई है किसी पर्टिकुलर अर्थ कोएक में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा अर्थ कोएक हो स्ट्रांग अर्थ कोएक हो दैट मीन इट क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अर्थ को साइज मैग्नीट्यूड को हम कह सकते हैं जब क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अर्थ को एंड

देखते हैं कि डैमेज कितना हुआ दैट मीन इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है ऑब्जर्वेशनल फैक्ट एंड इसमें हम ये देखते हैं कि मकान जो होंगे या स्ट्रक्चर्स जो होंगे बिल्डिंग्स जो होंगी उनमें कितना डैमेज हुआ है कितनी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है या कितना ह्यूमन लॉस हुआ है सो डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन सो इट इज़ द डिग्री ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन सो इट इज़ नॉट ए क्वान्टिटेटिव मेजर इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर दैट डिस्क्राइब डिग्री ऑफ शेकिंग कॉज बाई एन अर्थ कोक एट ए गिवन प्लेस एंड इट डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्राम द एपिसंटर जहाँ पे मरकज होगा अर्थ कोक का वहाँ पर ज़्यादा जो शेकिंग होती है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हो होता है डिस्ट्रक्शन होती है क्योंकि वो एपिसंटर जो होता है वो बिल्कुल फोकस के ऊपर नाइन्टी डिग्री पे होता है ज़मीन पर तो जित जितना हम दूर जो है जितनी डिस्टेंस एपिसंटर से ज़्यादा बढ़ती जाएगी जो जो शेकिंग होगी उसका इफेक्ट जो होता है वो कम होता है डैमेज जो वो कम होता है सो दैट मीनज इट डिक्रीज़ अवे फ्राम द सेंटर सो इसका मतलब है कि एक ही वैल्यू इसका नहीं रहता है डिफरेंट इंटेंसिटीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं एक ही सिंगल अर्थ को एक ऑन द अदर हैंड वहाँ पर जो वैल्यू हम देते हैं क्वांटिटी मेजरमेंट जब हम करते हैं मैग्नीट्यूड का वो एक ही दिया जाता है थ्रू आउट सो इसलिए एक ही मैग्नीट्यूड वैल्यू हम असाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर अर्थ के को जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होता है कोई इंटीजर होता है वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट सो ऑन सो इट इज़ दिस वैल्यू सिग्नीफाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एस्टिशन ऑफ एनर्जी एंड इट मीनस सेम इट इज़ अ सिंगल वैल्यूज असाइन टू अंगल अर्थ क्वक एनी वेर एक्रॉस द्लो ऑन दियर हैंड दिस इंटेंसिटी वैल्यू इट वेरीज ओके इट बिकॉज इंटेंसिटी डिक्रीज फ्राम द एपी सेंटर सो डिफरेंट वैल्यूज आर असाइन इन अ पर्टिकुलर इन अ सिंगल अर्थ कैक एक जगह एक वैल्यू होगा दूसरी जगह दूसरा वैल्यू होगा जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना ही वैल्यू जो है इंटेंसिटी का वो डिफरेंट या इंटेंसिटी कम होती है और इंटेंसिटी वैल्यू भी कम होता जाता है सो नैन नंबर थर्ड इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड uh, जो है उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट दैट मीन सिसमो जो सिस्मोग्राम बनाता, बनाता है रिटर्न रिकॉर्ड बनाता है सो उसके बेसिस पे ये फिर जो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट uh, करके मेजर करके उससे हम फिर मेजर uh, करते हैं और कैलकुलेट करते हैं फिर असाइन करते हैं मैग्नीट्यूड दैट मीज मैगनीच्यूड मेजरमेंट रिक्वायर्ज इंस्ट्रोमेंटल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रोमेंटल मोनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉर इट्स कैलकुलेशन वायर एज जो इंटेंसिटी होता है इसमें इंस्ट्रोमेंट रिकॉर्डिंग नहीं होती है बट ये इसमें जो वैल्यू हम असाइन करते हैं सो इट रिक्वायर्ज अम्पल ऑफ रेस्पॉन्स फेल्ट बाई पीपल ओके फ्राम डिफरेंट प्लेस सो वी असाइन इंटेंसिटी वैल्यूज Okay, so assigning an intensity requires a sample of felt responses of people. Uh, different people will behave, show different uh, behavior, they will behave differently. Accordingly, different observational facts are gathered, data is gathered from the uh, damage and destruction and felt responses of people in an in area where this earthquake uh, shakes.

जो है इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्डिंग ज़रूरत है क्योंकि जो सजमोग्राफ जो सजमोग्राम रिटर्न रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ जिग जैग लाइनज बनाता है जिसको हम सजमोग्राम कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है हाइस्ट एम्पलीट्यूड वे एम्पलीट्यूड हम फिर हम मेजर करते हैं वायर एज इंटेंसिटी में हम कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत नहीं होता है हम खाली डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जरवेश फैक्ट ऑब्जरवेशन दट मीन रेस्पांस फॉम द पीपल ओके so this is all about the distinction or distinguish between intensity and magnitude of earth take care